अम्मी जी बुला रही हूँ, जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो, अभी तो आई हो, और कपड़े तो बदलो। ऐसे कैसे बदल लूं, ये तो मेरा लकी ड्रेस है। बाय। ये लकी ड्रेस क्या होता है भाई? अरे मुझे अब लग रहा है ना कि मेरी महापारा आई है। हाँ, ऐसे कोयल की तरह कूकती हुई, ऐसे खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। अब अम्मी जी आपने बुलाया था? मैंने सोचा तो था, लेकिन फिलहाल मैंने नहीं, हाजरा ने बुलवाया। भाभी ने? वो तो अपने कमरे में होंगी ना? बिल्कुल। तो मैं बस थोड़ी सी देर में आई। माशाल्लाह, अल्लाह नजरबद से बचाए मेरी बच्ची। हाय, आप मेरे रूम में आई थी? हाँ आई तो थी, लेकिन तुम शावर ले रहे थे। अच्छा, कोई आया? नहीं कोई नहीं आया। नहीं, वो मुझे आवाज आई थी तो मुझे लगा कि शायद कोई। ओ, महापारा आई थी, हाजरा ने बुलवाया। हाँ ओके ओके, वैसे क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रही हैं आप। मैं तो हमेशा ही अच्छे मूड में होती हूँ। चाय पियोगे? ऑफ कोर्स। आ जाओ मेरा बेटा। सकीना, अच्छी सी चाय ले आओ। जी बाजी, लेके आ रही हूँ। वाओ कमीनी, मुझे तो कभी इतना खूबसूरत गिफ्ट नहीं दिया। और मेरी भाभी के लिए देखें कितना खूबसूरत नेकलेस लेकर आई है। किस्मत किस्मत की बात होती है बेटा। इसमें किस्मत की क्या बात है भाभी, वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी पसंद नापसंद का पता है, फिर भी मुझे इतने बुरे गिफ्ट देती है, और आपको तो जानती भी नहीं, फिर भी देखें। मेरा रुतबा ही ऐसा है कि कोई मुझे सस्ता गिफ्ट नहीं दे सकता। माँ पारा, रुतबा तो खैर मेरा भी वही है। मेरा मतलब है, दोस्त से ज्यादा अजीज कौन होता है? मैं इस घर की बहू और सुहेल की बीवी। तो मैं भी हूँ। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी। कैसा लग रहा है? हाँ भाई, तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन लेकिन ये इसके लिए नहीं। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि तुम ये पहनने के लिए बनी नहीं। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? राइद, अगर तुम फ्री हो तो साइट विजिट के लिए चलो। आई एम सॉरी सुहेल भाई, वो महापारा को नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवानी, वरना मैं जरूर चलता। वैसे महापारा के कॉलेज में पढ़ाई तो होती होगी? नहीं, कॉलेज में इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये नेकलेस उतार कर रख दो, ठीक है? तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया, मैं कमरे में वेट कर रहा हूँ। माँ पारा ही संभाल कर रख देना, मैं जरा इन्हें देख लूँ। चलो अब ज्यादा ड्रामे नहीं करो यार, उतारो इसे, रखो इसमें। हाँ शाबाश, सही तरह बंद करना है इसे। रख भी लूंगी। आई एम सॉरी सुहेल भाई, वो महापारा को नेक्स्ट पेपर की तैयारी करवानी, वरना मैं जरूर चलता। आज शाम में तैयार रहना, डिनर बाहर करेंगे। Thank you.
हाजरा हाजरा बेटा जल्दी करो, सोहेल इंतजार कर रहा है तुम्हारा। बस तैयार हो रही थी। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी माशा। थैंक यू। बस एक बात याद रखना कि सोहेल को इंतजार करना पसंद नहीं है। बस जा रही हूँ। एंजॉय। लग रही हो। थैंक यू। तुम्हारे हसीन लगने में मेरा क्या कमाल है जो मुझे थैंक यू कह रही हो? तो आपको क्या लगता है कि आपकी माँ पारा की तरह मुंह फाड़ के कह दूं कि मैं तुम्हें खूबसूरत? नेकलेस क्यों नहीं पहना? अच्छा लगता तुम पर। वो माँ पारा ने पहना था, फिर पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे भी देर हो रही थी इसलिए नहीं पहना। तुमने पहनने क्यों दिया? मैंने कहाँ पहनने दिया, मैं दरवाजा खोलने बाहर गई थी, आपके सामने ही तो था सब कुछ, वापस आई तो उसने पहना हुआ था। लेकिन आप परेशान नहीं हो, उसने संभाल कर रख दिया होगा। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने मेरी चीज मुझसे पहले पहन ली। सुहेल, मुझे लगता है कि शायद गलती हमारी है। हमारी? हाँ, देखिए ना, मम्मी जी ने उसे हमेशा अच्छे कपड़े दिलाए, अच्छे जूते दिलाए, लेकिन कभी उसे ज्वेलरी नहीं दिलाई। हाँ, ज्वेलरी भी दिला देंगे वक्त आने पर, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन मुझे लगता है कि उसे तो हर बात की बहुत चलती है। मेरा तो सोच के दिल डूबा जा रहा है, इतनी बड़ी बात है और उसे देखें कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल मुतमईन है वो, इतनी बड़ी बात हो गई। एंड महापारा ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे महापारे से ये उम्मीद नहीं थी। अब देखिए ना, आप लोगों ने उसे अपना समझा, इतनी इज्जत दी, लेकिन उसने, उसे आप लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। सुहेल, आप प्लीज परेशान मत हो, वो तो बेवकूफ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ हैं ना, हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। खाना स्टार्ट करो। आपको पता है जब सकीना मुझे बुलाने आई थी तो मुझे क्या लगा था? क्या?
यही कि आपने अम्मी जी को सब बता दिया, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। सब क्या बता दिया? हमारे बारे में। हमारे बारे में क्या? हमारे बारे में क्या कुछ नहीं बताने के लिए? क्या कुछ है? ठीक है, अगर कुछ नहीं बताने के लिए तो फिर मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा रुको, सबर। हाँ है, लेकिन लेकिन आप बता नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। और वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त कब आएगा? वो सही वक्त तब आएगा जब तुम ग्रेजुएशन में टॉप कर लोगी। एक सेकेंड, अगर मैंने टॉप नहीं किया तो आप नहीं बताएंगे? फिर तुम्हारे टॉप करने का इंतजार करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पसंद हमेशा टॉप क्लास की होती है। और अगर मुझे टॉप करने में सालों लग गए तो? हाँ तो इस पर कौन सी बड़ी बात है, अच्छा ना, तब तक तुम्हें अकल भी आ जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि तब तक अम्मी को एक अकलमंद बहू मिल जाएगी। मुझे पढ़ाई थी। सॉरी महापारा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मैं सच बोलकर तुम्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मैं किसी को तुम्हारी मासूमियत का फायदा नहीं उठाने दूंगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने तुम टॉप नहीं तो कम से कम पोजीशन ही लियोगी। हाँ, अब तो बस मुझे एग्जाम्स का इंतज़ार है। एग्जाम्स का इंतज़ार है इसीलिए क्लासेस बंक कर रही हो? नहीं, मुझे वाकई बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है तो तुम्हें राइड के साथ जाना चाहिए था। कैब बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? वो एक्चुअली ना मुझे ज्वेलर के पास जाना है। तुम्हें ज्वेलर से क्या काम है? बस है ना, कोई काम बता दूंगी बाद में। अच्छा, ज़रा इस ज्वेलर को ना मेरा सलाम ज़रूर दे देना। सलाम क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम किसे ज्वेलर बना के भाग रही हो। अरे मैं वाकई ज्वेलर के पास जा रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुमने जो भाभी को सेट दिया था वो कितने का था? पता नहीं, वो तो मम्मा ने खरीदा था, उन्हें पता होगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरी गाड़ी आ गई, मैं चलती हूँ। वापस। अच्छी लड़की है ये भी। किस्मत किस्मत की बात होती है बेटा। इसमें किस्मत की क्या बात है भाभी, वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी पसंद नापसंद का पता है, फिर भी मुझे इतने बुरे गिफ्ट देती है, और आपको तो जानती भी नहीं, फिर भी देखे। मेरा रुतबा ही ऐसा है कि कोई मुझे सस्ता गिफ्ट नहीं दे सकता माँ पारा। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो। मैं रख भी लूंगी।
बेटा आराम से देखो, मिल जाएगा हाजरा। मम्मी जी मैं हर जगह देख चुकी हूँ, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। बेटा देखो गलती तुम्हारी है, तुम्हारी ज्वेलरी थी, तुम्हें संभाल के रखनी चाहिए थी। तुम्हें पता तो है कि माँ पारा कितनी लापरवाह है, क्या जरूरत थी उसको देने की भला। अब आमना को कैसे वापस करेंगे वो सेट, इतना कीमती सेट उसने तुम्हें रायत के रिश्ते के लालच में दिया था। रिश्ता तो हम कर नहीं रहे, खामखा का एहसान क्यों लें किसी का। वो अभी तक घर क्यों नहीं आई, आप उसे फोन तो करें। रायत से कहा है, कर रहा है वो कॉल। मॉम वो माँ पारा का फोन तो बंद जा रहा है और वो अस्मा कह रही है कि वो जल्दी कॉलेज से निकल गई थी। जल्दी चली गई थी तो आई क्यों नहीं अब तक? पता नहीं, वो अस्मा कह रही है कि उसको ज्वेलर्स पे कोई काम था। ज्वेलर्स के पास काम होगा उसे कोई, लेकिन फिर भी उसे अब तक आ जाना चाहिए था। अम्मी जी दादी बता रही थी, आप मेरा पूछ रही थी। महापारा मेरा वो नेकलेस कहाँ है, कहाँ रखा है तुमने? आपका नेकलेस वो तो मैंने ज्वेलरी बॉक्स में रख दिया था। लेकिन वहां नहीं है अब, कहाँ रखा है तुमने? नहीं है, वही होगा भाभी। जब मैं तुमसे कह रही हूँ वहां नहीं है तो मैंने कहाँ रखा है बताओ। अच्छा मेरी बात सुने, क्या वाकई आपको नहीं पता कि आपका नेकलेस कहाँ है? कल तुम्हारे सामने से पहनता हुआ छोड़ के गई थी ना, तुम इसके पास थे ना, तुमने इसे रखते हुए देखा? नहीं मैं तो जल्दी चला गया था। आप चले गए थे लेकिन मैंने उसी बॉक्स में रख दिया था। देखो मापारा, सुहेल ने तुमसे कहा था कि वो नेकलेस ले लो, कहीं तुमने बाकी तो नहीं ले लिया? वो तो मजाक था ना भाभी, मैं क्यों लूंगी, मैंने नहीं लिया। लेकिन तुम रखना चाहती थी ना, हाँ या नहीं? हाँ मुझे अच्छा लगा था लेकिन मैंने वो। देखो मापारा अगर तुम्हें वैसा नेकलेस चाहिए तो हम तुम्हें दूसरा दिला देंगे, लेकिन फिलहाल वो नेकलेस वापस कर दो। भाभी मेरे पास नहीं है। क्या मतलब मेरे पास नहीं है, तुम अभी ज्वेलर्स के पास गई थी ना, कहीं तुमने बेच तो नहीं दिया? ये ज्वेलर्स के पास गई थी ना। अच्छा लिसन भाभी, जस्ट कॉम डाउन, टेक इट इजी, रिलैक्स, ओके? भापारा तुम ज्वेलर के पास गई थी? हाँ गई थी, लेकिन मैं इनका नेकलेस बेचने नहीं गई थी। मापारा अरे मापारा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ, राइड ने कुछ कहा है? सबने कहा है हटे यहाँ। अरे एक मिनट, क्या कहा है? जिसका जो दिल चाहा ना उसने वो कहा है। अच्छा बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाभी ने कहा है कि मैंने मापारा हाजरा नहीं कह रही है, मैं पूछ रही हूँ कि नेकलेस कहाँ है। कौन सा नेकलेस? वही नेकलेस जो मैंने महापारा को दिया था रखने के लिए, आपको बताया था मैंने, वो नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो आपकी बेगम को ये लगता है कि नेकलेस महापारा ने चुरा लिया। सुहेल भाई आप खुद बताएं, बचपन से लेके आज तक मैंने इस घर से कोई पिन भी नहीं उठाई है और भाभी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई अपने घर में भी भला करता है चोरी? हरगिज़ नहीं। सुहेल तुम अंदर जाओ। महापारा मेरी बात का जवाब दो, जो मैं पूछ रही हूँ नेकलेस कहाँ है। अम्मी आप मुझसे बात करें, किस सवाल का जवाब चाहिए आपको? वो हम हाजरा का नेकलेस ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा है। अगर हाजरा का नेकलेस नहीं मिल रहा तो हाजरा से पूछे ना, महापारा से क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें मालूम भी है कल से तुम्हारा नेकलेस कहाँ है? कहाँ है? इसी के पास होगा। इसके पास होगा? इसके पास? एक मिनट। Listen, don't worry about it. सब ठीक हो जाएगा, okay? मैं हूँ यहाँ।
ये कहाँ था? तुम्हारे पास कैसे आया ये? अगर दोबारा कभी घुमा तो वापस नहीं दूंगा। पूछे अपनी बहू से, कल रात गाड़ी में भूल गई थी ये। समझाएं इसे कि कोई चीज किस्मत से मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये गाड़ी में लेकर ही नहीं गई। तो कैसे पहुंचा ये गाड़ी तक? मैं लेकर गया। या तुम अब ये कहोगी कि ये मैंने चोरी कर लिया? मैंने तुमसे कहा था ना, मां पारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मां पारा, आइंदा अगर तुमसे कोई इस तरह की बात करे बिला वजह तो मुझे बताना। कर दी तुमने, एक दिन भी सब्र नहीं हुआ तुमसे? क्या ज्वेलरी इतनी कीमती थी कि घर की बच्ची से ही पूछ के शुरू कर दी? मैं क्या करती, सिचुएशन ही ऐसी थी। रायत था ना, खुद पूछें आप रायत से, हर बात मां पारा के खिलाफ जा रही थी। और तुमने बच्ची का नाम ले दिया? मैंने नहीं नाम लिया, यही तो कह रही हूं, हाजरा ने लिया नाम। और रायत ने भी बताया था मुझे कि मां पारा ज्वेलरी शॉप गई थी। सिचुएशन उसके खिलाफ थी, भाभी ने उसका नाम लिया, मैंने बताया कि वो ज्वेलरी शॉप गई थी, तो क्या ज्वेलरी उसके पास से निकली? मॉम, राहत, तुम भी मुझे ही कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा है ये। शहला, तुम्हें सिचुएशन नहीं, घर की बच्ची को देखना चाहिए था। प्लीज, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बताए ना मैं क्या करूँ। वहां पारा नाराज है, घर भी नहीं आ रही। तुमने जो करना था ना वो कर दिया, अब कुछ मत करना। मैंने आपसे कहा था ना मोहन, वो पहले भी एक इल्जाम लगा चुकी है। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल। देख लिया अम्मी जी और भाभी जी करने का अंजाम, लगा दिया ना चोरी का इल्जाम। बड़े निभाने खिलाया करती थी। लेकिन सुहेल भैया ने तो बोला था ना कि सुहेल भैया के पास सबूत था, वरना वो भी तुम्हें चोर कह रहे होते। दादी, रायत ने भी भाभी की बात पे यकीन नहीं किया। यकीन की बात तो तुम करो ही नहीं। यकीन नहीं था, अगर रायत को यकीन ना होता ना तो वो 10 बार सकीना को ना भेजता। कितने चक्कर लगाए उसने कि महापारा कहां है, महापारा कहां है, महापारा। अब्बू जी, आप यहां? अरे बेटा, अगर मेरे बुलाने पर तुम नहीं आओगी तो मुझे खुद आना पड़ेगा। नाराजगी किसी से, गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो, ये तुम्हारे बचपन की आदत कब खत्म होगी? नहीं, वो नाराज किसी से भी नहीं है, लेकिन एहतियात अच्छी चीज है ना, इसको ऊंच नीच का ख्याल रखना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
इस उम्र में अम्मी जी को सदमा देकर आई है, वो टेंशन में है। मैंने कहा ना, कोई नाराजगी नहीं है इसे। इस नाराजगी का क्या फायदा? जिसने भी इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है ना, उनको खरी खरी सुना कर आती है। ये क्या बात कर दी साहब आपने? मैं ठीक कह रहा हूं रहमत भाई, अगर कोई इस पे इल्जाम लगाए और ये गुस्से ना हो तो फिर ये हमारी बेटी नहीं है। तो साहब ये क्या करती? अरे झगड़ा करती, मुंह नोच लेती उनका। किसी की जुर्रत कैसे हुई हमारी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाए? बिल्ली में शेर को दिखाने की ना ताकत होती है और ना हिम्मत। ठीक कह रही है अम्मा भी, शेर को आंख नहीं दिखा सकती ना, लेकिन शेर की पीठ पर बैठकर शेरनी को तो आंख दिखा सकती है। चलो बेटा, तुम्हारी अम्मी जी को और भाभी जी को अभी ठीक करते हैं। नहीं महापारा, ये हमारे घर का मामला है, मैं जानूं और मेरी बेटी, इसमें कोई नहीं बोलेगा। आओ बेटा। भी तो कुछ बोलते रहमत। क्या बोलूं? नेकलेस गाड़ी में तो हरगिज नहीं था, फिर सुहेल को कैसे मिला? मैंने जहां पर छुपाया था वो वहीं है, फिर उस जैसा दूसरा हार सुहेल के बॉस क्या कर रहा है? सुहेल को जवाब देना होगा। मगर मैं क्या कहूंगी? असल में हार मैंने छुपाकर इल्जाम महापारा पे लगाया था, सुहेल तो मुझे कत्ल कर देंगे। अब क्या करूं? मुझे कुछ दिन सब्र करना होगा। आप सच कह रही हैं? बेटा मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला, वो गिफ्ट उन्होंने अस्मा और रायत का रिश्ता तय करने के लिए दिया था। अस्मा ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें बताएगी वो ये बात। उसे पता नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मतलब अस्मा की अम्मी उससे पूछे बगैर उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती है? हाँ तुम रायत से पूछ लो, उन्हें भी पता है। हाँ तो उससे पूछ के तो इनकार किया ना बेटा, उन्होंने मना कर दिया ना। इसीलिए तो हम परेशान थे कि हमने रिश्ते से इनकार कर दिया है तो उन्हें बुरा लगा होगा, तो हमने सोचा कि हम उनका तोहफा उन्हें वापस कर दें, वरना वो पता नहीं सर्कल में क्या क्या बातें बनाती फिरेंगी। आमना की आदत तो जानती हो ना तुम। तो आपने ये क्यों सोचा कि वो नेकलेस मैंने ले लिया होगा? नहीं, मैंने सोचा कि शायद अस्मा ने तुमसे मांगा होगा तो तुमने अस्मा को वापस कर दिया होगा। मैं ऐसा क्यों करूंगी अम्मी जी? इसलिए कि तुम हमारी बेटी, कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा तो तुम गुस्से में वो चीज उसके मुंह पे दे मारोगे। यही समझा तुम्हारी अम्मी ने कि तुमने अस्मा को उसकी चीज वापस कर दी और उसका मुंह बंद कर दिया। लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं ना। हमने इनकार कर दिया ना, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से नहीं बताया होगा। अगर रिश्ता हो जाता तो बता देती। और भाभी, वो तो पहले मेरी दोस्त बन गई थी, उन्होंने भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उन्होंने भी तो मेरा नाम लिया है ना। देखो बेटा, बहू ने भी गलत किया, अब तुम उसके साथ भी बात ना करना। हाँ ये ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मेरी बेटी का आज क्या दिल चाह रहा है खाने का? कुछ नहीं, आइसक्रीम मंगवा दो।
आइसक्रीम। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? वो ही लड़का जिससे महापारा का अफेयर चल रहा है। कोई लड़का नहीं है। लड़का तो है और चक्कर भी है, वरना बिना एक्सपीरियंस 4 दिन में कोई अमेरिका रिटर्न लड़का फंसा नहीं लेता। मीर भैया आप खुद बताएं, बचपन से लेके आज तक मैंने इस घर से कोई पिन भी नहीं उठाई है और भाभी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई अपने घर में भी भला करता है चोरी? पछताएंगे आप मुझसे, बता रहा हूं आपको। आई लव रिग्रेट्स। नाउ यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट भाभी। अभी तक तो मैं खेल खेल रहा था, लेकिन अब ये जंग है, और ये जंग है तो जंग ही सही। अब मैं महापारा को आपसे बचाऊंगा नहीं, उसे आपके सामने आपके बराबर नहीं, आपके ऊपर खड़ा करूंगा। जो हैसियत जो रुतबा आपका है इस घर में, उससे बड़ी हैसियत और उससे बड़ा रुतबा मैं महापारा को दिलाऊंगा। मैं अब महापारा से शादी करूंगा, एंड देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। अगर लोगों का अपनी अम्मी जी से पैचअप हो गया तो बात हो सकती? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, ये लो। ये क्या है? Well, इसमें जो है दुनिया वाले इसे सेलफोन कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जो दिल चाहे तुम इसे कह सकती हो। लेकिन सेलफोन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, बात करने के लिए यार। तो बात करने के लिए मेरे पास अपना फोन है। Exactly, जो हमेशा ऑफ होता है। तो वो तो चार्जिंग। Exactly, चार्जिंग। इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इस फोन की खासियत यह है कि इसकी चार्जिंग खत्म नहीं होती। क्यों? ये हवा से चलता है? नहीं, ये बैटरी से चलता है, लेकिन इसकी ना एक बात की एहतियात करनी होगी। वो क्या? वो ये है कि इस फोन पे मेरे अलावा किसी और की कॉल नहीं आनी चाहिए, वरना इसकी भी चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अगर सुहेल भैया को वो हार नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? वैसे एक बात बताओ, तुम ज्वेलरी शॉप करने क्या गई थी? मुझे भाभी का सेट बहुत अच्छा लगा था, मैं बिल्कुल वैसे ही हार लेना चाहती थी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? अब्बा की कमेटी निकली है ना। अच्छा, तो उनके सारे पैसे मेरे अकाउंट में। महापारा, तुम क्या उनके सारे पैसा खर्च कर दोगी? हाँ, तो पागल वागल तो नहीं होगी तुम? वो गुस्सा नहीं करेंगे क्या? गुस्सा करने का सोचेंगे, लेकिन करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उनके कुछ कहने से पहले ही मुस्कुरा दूंगी। और इससे क्या होगा? वो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर सदका उतारते, गुस्सा नहीं करते। तुम भी ना यार। मैं तो तुम्हारे लिए वैसा ही दूसरा नेकलेस ले आया था ना महापारा, अगर तुमने बिला वजह ही चोरी कर ली। चलो खैर, वैसे ना सही तो ऐसे ही सही, चीज तो सही जगह पर पहुंच गई। मुंह से माफी मांग रही हूँ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या हुआ है? मामा, मुझे नहीं पता सुहेल को वो नेकलेस गाड़ी से कैसे मिला। क्योंकि वो नेकलेस तुम डिनर पर पहनकर गई थी,
इसीलिए सोहेल को गाड़ी से मिला। जानती हो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि तुम वो नेकलेस गाड़ी में छोड़कर आ गई थी। मेरा यकीन करें, मैं नहीं पहन कर गई। अच्छा, वैसे तो अपनी अम्मी के घर भी उस दिन तुम बहुत कॉन्फिडेंट थी कि तुम्हें सोहेल छोड़कर गया है, लेकिन तुम्हारी बात गलत साबित हुई ना। तो आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे सच झूठ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते? वो भी इंसान है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज भी गलत कहा हो तो। मेरा सोहेल मेरा गुरूर है। उसने आज तक कभी मुझसे नजर उठाकर बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात की है। मैं मान रही हूं मेरी गलती है, और क्या करूं? तो मैं क्या करूं, तुम्हें तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझसे नाराज है। वो कल रात से कमरे में भी नहीं आए। तो फिर पहले जाकर उसे मनाओ। सोहेल मान जाएगा तो समझ लेना सब मान जाएंगे। लेकिन और अब प्लीज कमरे से बाहर चली जाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। प्लीज। सुहेल, आप नाराज हैं मुझसे? क्यों? होना चाहिए। I'm sorry. For what? ज्वेलरी को लेके सीन तो तुम बहुत क्रिएट करती हो, पहनती फिर भी नहीं हो। सही, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो कमरे में महापारा के साथ अपना नेकलेस। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि महापारा चोरी कर सकती है? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम कभी महापारा के खिलाफ कोई गलत बात नहीं करोगी, और मैं कभी महापारा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा, वरना हमारे रिश्ते के बीच दरार पड़ जाएगी। क्योंकि वो आपकी बहन जैसी। मेरी बहन जैसी हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरी माँ के लिए वो बेटी जैसी है, और उसकी ये खूबी हर बुराई पर भारी है। याद रखना। हरकतें सारी पता है, लेकिन उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। अभी माँ पारा की दादी के सामने जाके उसकी इज्जत अफजाई करती हूँ, क्या समझती है खुद को? बहुत तेज है, बहुत तेज है। अरे भाभी, इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। गुड मूव यार तुम्हारी चाल। चलो, जबरदस्त। ये लो, चलो। अरे भाभी, आप उधर कहाँ जा रही थी? गेम तो यहाँ चल रही है। कुछ काम था मुझे। अच्छा,
मतलब गेम के अलावा आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं। राइट। अरे डैड सीरियसली, भाभी जो है ना उनको ये गेम बहुत पसंद है मजाक के अलावा। अच्छा नहीं राइट, मुझे गेम नहीं, मुझे जीत पसंद है। ये की ना आपने 100 करोड़ रुपए वाली बात, फिर इसका मतलब ये है कि गेम हो जाए और वो भी माँ पारा के साथ, एंड कंफर्म जीत इसी की होगी। तुमने बड़ी गहरी नजर रखी है महापारा के गेम पर। नहीं भाभी, नजर मेरी आप पर है, साथ तो मैं इसके हूँ। आए ना जरा देखे ना गेम, गौर से देखें, अगला मैच आपका है। बैठे ना, बैठे बैठे। फिर कभी, मुझे कुछ काम है। अरे कम ऑन यार, वेयर इज द स्पोर्ट्समैनशिप? एक बात बताओ, तुम अचानक क्यों चली गई थी? तो रुक के क्या करती? तुम भाभी की वजह से गई थी ना। देखो महापारा, मेरी बात सुनो, तुम्हें भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? उनसे डर के नहीं गई थी। तो फिर? आपकी बातों से डर गई थी। मेरी कौन सी बात? वही जो आपने भाभी से कही। सोचा अगर अम्मी जी सुन लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में। ओ भाई कौन सी बात, जरा बताओ तो सही। वही जो आपने कहा कि आप मेरे साथ। देखो तुम ये मत सोचा करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम सिर्फ इस बात पर तवज्जो रखो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। अच्छा तो क्या सोचते हैं आप? हाय सब बता दूं, मैं ये सोचता हूं कि मेरे जाने के बाद अगर भाभी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा या फिर कुछ किया तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सुहेल भैया और अम्मी जी है ना, और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए बदनाम तो क्या, बर्बाद भी होने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हें पता है ना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा तो क्या करेंगे आप? मैं जाने से पहले अम्मी को ये जरूर बताऊंगा कि तुम मेरी अमानत हो और वो तुम्हारा ख्याल रखे। लेकिन आपने तो कहा था कि जब मैं टॉप करूंगी आप जब अम्मी से बात करेंगे। हाँ वो मैंने कहा था, लेकिन वो मेरे दिमाग ने कहा था। तो अब? अब मेरा दिल कहता है। क्या कहता है आपका दिल? वो ये कहता है कि अब तुम फेल भी हो जाओ ना, मेरी टॉप चॉइस तुम ही रहोगी। रात में क्या देख रहे हैं? शादी की वीडियो आ गई, तुमने बताया नहीं। आप मुझसे बात करें तो बताओ ना, आप मुझसे बात ही कहां करते हैं? अब इतना भी नाराज नहीं हूं कि शादी की वीडियो मिलकर ना देख सकें। आओ मिलके देखते हैं। अच्छा तो फिर मुझे दिखाएं, मैं आपको इसमें एक सीन दिखाती हूँ। क्या क्या दिखाना चाह रही हूँ? ये देखें आपका पूरा लड्डू खाने का सीन।
कितने फनी लग रहे हैं। मैं तुम्हें फनी लगता हूँ? नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हैं। ये देखो, इसे कितना शौक है ना बच्चों वाली हरकतें करने का। बच्ची है नहीं, लेकिन सिर्फ बच्चों वाली हरकतें करती है। हेलो राइट, कहाँ हो तुम? घर पे, बस कहीं काम से निकल रहा हूँ। आप बताएं, खैरियत? हाँ, खैरियत है। एक्चुअली मेरा एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, सोच रहा था अगर तुम फ्री हो तो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है? इज एवरीथिंग ओके विद यू सोहेल भाई? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस फॉलो अप के लिए जाना है। लेकिन अगर तुम बिजी हो तो रहने दो। अरे नहीं नहीं सोहेल भाई, ऐसी बात नहीं। आप एक काम करें, मुझे बता दें कि हॉस्पिटल कौन सा, मैं वहाँ आ जाता हूँ। हॉस्पिटल नहीं आना, एक्चुअली तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके डैड के पास जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप ड्राइवर के हाथ भिजवा नहीं सकते? हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हें साइन भी करने हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि डैड अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेते नहीं है, तुम्हारे या मेरे नाम पे लेते हैं टैक्स की वजह से। अच्छा भाई, अंदाजन कितनी देर लगी? मुझे एक्चुअली 2 बजे कहीं पहुँचना है। टाइम का तो नहीं पता, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो बता दो, मैं अपना अपॉइंटमेंट छोड़ के खुद चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह टाइम पर पहुँच जाऊँगा। ओके, थैंक यू राइट। ओके, थैंक यू राइट। बाकी कोई करे या ना करे, हमें क्या। तुम यहाँ बैठे में आते हो? कहाँ हो तुम सुबह से? मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या बात है भाई, लोग तो आज लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। क्या हुआ है, राइट से लड़ाई हुई है? तुम क्यों चाहती हो कि मेरी राइट से लड़ाई हो? मैं क्यों चाहूंगी तुम्हारी राइट से लड़ाई हो? मैं तो तुम्हें उदास देख कर पूछ रही थी। उदास? इधर देखो, क्या हुआ है, क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हारी तरह ना बड़ी बड़ी बातें नहीं छुपाती। कौन सी बड़ी बड़ी बातें? रायत के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात तुम्हारे नजदीक बड़ी बात नहीं है? कौन सा रिश्ता, कौन सी बात? राहिद ने इनकार कर दिया तो तुम छुपा रही हो। अम्मी जी हाँ बोलती थी तो खुशी खुशी मुझे बताती। पागल हो गई हो, बकवास कर रही हो? क्यों, तुम्हारी अम्मी जी तुम्हारे रिश्ते के लिए अम्मी जी के पास नहीं गई थी? हरगिज नहीं, मम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम्हारी मम्मा ने ऐसा किया है, अम्मी जी ने मुझे खुद बताया। तुम्हारी अम्मी जी झूठ भी बोल सकती है? जी नहीं, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन मेरी अम्मी जी झूठ नहीं बोल सकती। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं तुमसे
अपनी बेस्ट फ्रेंड से राइत के लिए झूठ बोल रही हूँ। राइत के लिए तो कोई भी बेईमान हो सकता है, फिर तो ये एक झूठ था। उस घमंडी अंग्रेज में ना सारी खूबियां तुम्हें दिखती होंगी, मुझे नहीं। और अब मुझसे बात मत करना। एक तो बेईमानी, ऊपर से बदजबानी। आ राइट बोलो। सोहेल भाई यहाँ मजीद 2 घंटे लग जाएंगे, आपको पता है ना मुझे 2 बजे कहीं पहुंचना है। अच्छा, कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, अरेंज कर दूंगा मैं। मंगवाना कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मुझे महापारा को पिक करना था। डोंट वरी, मैं अरेंज कर दूंगा। अरे सोहेल भाई आप कैसे अरेंज करेंगे, मैं खुद जाता हूँ ना उसे पिक करने। राइट, माँ पारा तुम्हारे आने से पहले भी कॉलेज आना जाना करती थी और तुम्हारे जाने के बाद भी करेगी, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अल्लाह हाफिज़। आप कैसे? क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, वो आप आए नहीं ना कभी मुझे लेने, इसलिए। आज आ गया ना, अब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। पेपर कैसा गया तुम्हारा? बहुत अच्छा। गुड गुड। भैया आपकी तबीयत तो सही है ना? बस वो अचानक से थोड़ा सर भारी हो रहा है। अरे तो आप क्यों आए मुझे लेने? ड्राइवर तो आ ही जाता है रोज। तुम्हारा ड्राइवर शहर से बाहर है। मतलब राइद डैड के साथ गया है शहर से बाहर इन जरूरी मीटिंग के लिए। राइद ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, वापस नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक्चुअली आज मेरी तबीयत अजीब सी थी, इसीलिए मैंने राइट से रिक्वेस्ट की कि वो चला जाए। तो अगर आपकी तबीयत सही नहीं थी तो आप क्यों आए लेने? क्यों? तो राइट की जगह मेरा आना अच्छा नहीं लगा? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। असल में आज नाश्ता नहीं किया ना, शायद इसलिए वीकनेस हो रही है। ये क्या बात हुई, नाश्ता क्यों नहीं किया आपने? कुछ खाकर आना चाहिए था ना, बहुत गलत बात है। चलो तुम कहती हो तो कुछ खा लेते। साइन करो।
देखा हो ना? किसी की कॉल आ रही है। तो ऑफ कर दो। तुम मुझे वो नेकलेस कब पहन के दिखाओगे? कौन सा नेकलेस? वही जो तुमने हाजिरा कर लिया है। सुहेल भैया। क्या? कुछ नहीं। वैसे मुझे आपको थैंक यू बोलना था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि सॉरी एक्सेप्ट करूं या तुम्हारा थैंक यू। क्या मतलब सॉरी? हाजिरा मुझसे सॉरी कर रही थी, उसे लगता है कि उसने गलती की। मेरी एक बात मानोगी? यही कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, यही कहेंगे ना? तो क्या गलत कह रहा हूं? देखो मापारा, घर का माहौल अच्छा करने के लिए किसी को तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना। तो आप चाहते हैं कि मैं अपना दिल बड़ा करूं? नहीं, अगर देखा जाए तो हाजिरा की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। नेकलेस तो उसका खोया था। लेकिन मैं, देखो मैं चाहता हूं कि तुम हाजिरा से सुलह कर लो। इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट, प्लीज। अब मुझे वो नेकलेस पहनकर कब दिखाओगी? सुहेल भैया, आपने तो वो नेकलेस मेरी चिड़ी बना दी। एक तो तुम मुझे ये भैया कहना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब हम दोस्त हैं। अच्छा, ये कब हुआ? जब मैं तुम्हारे लिए वो नेकलेस लाया और तुमने रख लिया। आप मेरे लिए कोई नेकलेस नहीं लेके आए थे, ना आपने मुझे वो दिया। ठीक है, ऐसे ही सही, तुम्हारा काम तो हो गया ना? हाँ, मेरा काम हो गया। तो अब हम दोस्त। खाओ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पहले दिन तुम स्कूल से मुंह लटकाकर वापस आए थे ना, अभी भी वैसे ही आए हो। हाँ, स्कूल के पहले दिन भी ऐसी जबरदस्ती भेजा होगा आपने, है ना? एनीवेज वो मापारा कहाँ है? आ जाएगी। तुम बताओ कैसी रही तुम्हारी मीटिंग तुम्हारे अब्बा के साथ? नहीं, लेकिन अब तक तो आ जाती है वो। अरे बेटा, कह रही हूँ ना, आ जाएगी। तुम जाओ, जाकर शावर लो, फ्रेश हो जाओ। हाँ अच्छा सुनिए, वो हुआ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि आपको कुछ बताना है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतना सीरियस हो रहे हो? मम्मी जी वो, मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम्हें तो कोई बात करनी थी मुझसे जरूरी। हाँ बात तो करनी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, ये कॉल करने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी इतनी अर्जेंट बात थी जो तुम बीच में ऐसे बात कर रही हो? मम्मी जी, सुहेल के ऑफिस से कॉल आई थी, उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग है। तो तुम्हें क्या टेंशन है उसकी मीटिंग की? मगर वो ऑफिस में नहीं है और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। फोन बंद आ रहा है। राइट, राइट, मॉम प्लीज आप घबराना बंद करें, मैं जा रहा हूं ना देखने, हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में हो। लेकिन हॉस्पिटल में फोन कौन ऑफ करता है? बेगम साहब, अब सुहेल भाई आ गए। आ गए, शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सब खैरियत है? कहाँ रहे थे आप? बेटा इस तरह बगैर बताए जाने की कोई तुक है? कितना परेशान हो गए थे हम सब यहाँ। अरे मॉम इसे पूछे, यही जबरदस्ती मुझे लंच पर ले गई थी। मैंने इससे कहा कि मॉम परेशान होंगी। ये आपके साथ आई है? क्यों, इसे घर नहीं लाना था क्या? नहीं सोहेल भाई, आप इसे कॉलेज लेने गए थे? हाँ। तुम मेरी जगह डील साइन करने जा सकते हो, तो क्या मैं इसे कॉलेज से लेने नहीं जा सकता? अरे ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। आई मीन आफ्टर ऑल शी इज फैमिली है ना? या राइट, शी इज फैमिली, शी इज फैमिली। हाजरा, तुम्हें बताना भूल गया मैं, डिनर के लिए टेबल बुक करवाई आज। अच्छा सा ड्रेस पहन लेना, बल्कि साड़ी पहन लेना। डिनर करना जरूरी है क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, लंच भी बाहर किया था और आज डिनर भी बाहर करेंगे, कहीं आपको एसिडिटी ना हो जाए। तुम्हारी मोहब्बत में तो एसिडिटी भी कबूल है। मेरी मोहब्बत में? हाँ, तुमने देखा तुम्हारी एक बदगुमानी ने कितना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया, और महापारा को मनाने के लिए उसे लंच पे ले जाना पड़ा। लेकिन वो तो हाजरा, मैं आज तक कभी किसी को पिक करने नहीं गया, लेकिन सिर्फ तुम्हारी तरफ से महापारा का दिल साफ करने के लिए मुझे अपना वक्त जाया करना पड़ा, और तुम तो जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है। लेकिन मैं तो, मैं जानता हूं तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना, मॉम और हम सब महापारा को बहुत चाहते हैं, इसीलिए हम उसे नाराज होने नहीं देते। वो सब तो ठीक है, मगर आपके पास मेरे जैसा दूसरा नेकलेस क्या कर रहा था? अब क्या सोच रही हो? I'm sorry. तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मॉम के साथ साथ तुम मुझे भी दिल से अजीज हो, तुम पर तो मेरा खून भी माफ है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। शाम में तैयार रहना, ओके? मुझे बता नहीं सकती थी कि सोहेल भाई ने तुम्हें पिक कर लिया, और तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कॉल भी किया और उल्टा फोन ऑफ कर दिया। मुझे क्या पता था सोहेल भैया बिल्कुल सामने बैठे थे, उन्होंने कहा ऑफ कर दिया, और आप मुझे नहीं बता सकते थे कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे? अगर सोहेल भैया नहीं आते तो मैं कैसे आती? तो वैसे ही आ जाती जैसे रोज आती हो, कोई ना कोई तो तुम्हें पिक कर ही लेता, और वैसे भी सोहेल भाई से मेरी बात हो गई थी। अगर सोहेल भैया भूल जाते तो? हां तो वो कौन है तुम्हारी बॉडीगार्ड, क्या नाम है उसका? हां अस्मा, उसके साथ आ जाती। उसका तो नाम ही ना ले आप। क्यों, उसने नाम बदल लिया अपना? नहीं, वो खुद बदल गई है। एक सेकंड, इधर देखो, ओए, इधर देखो। डोंट टेल मी तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे? ओए, क्या वाकई लड़ाई हो गई है? हाँ हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, अगर लड़ाई हो भी गई है तो जाने दो, तुम क्यों रो रही हो? ओए, इधर देखो,
अरे देखो तो सही। अच्छा देखो जो भी वजह हो ना जाने दो, अच्छा है लड़ाई होगी, वैसे भी बदतमीज लड़की है वो। बदतमीज तो नहीं है वो। अरे क्यों नहीं है वो, उस दिन इतनी बातें सुनाई थी उसने मुझे, और पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम मुझे बचपन से प्यार करती हो और मैं तुम पर जुल्म करता हूँ। हैं? हाँ ना, और तुम्हें पता उसने क्या कहा है? वो कह रही थी कि तुम मुझे दुआओं में मांगती हो। वो ये कह रही थी आपसे? ऑब्वियसली मैं तुमसे झूठ बोलूंगा महापारा। नहीं आप झूठ नहीं बोल सकते कभी, लेकिन उसने मुझे वो सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्या मैंने सब कुछ क्या कर दिया? मैं आती हूँ। अरे एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? मैं आती हूँ। मेरी बात सुनो, रुको तो। मैंने कहा ना बहुत जरूरी काम है, मैं आ पा रहा। रायत, रायत तुम ये हर वक्त छत पर क्यों नजर आते हो मुझे? हाँ कब से सकीना तुम्हें खाने के लिए ढूंढ रही है? चलो चलकर खाना खाओ या दावत दूं खाने की? नहीं नहीं चले। सॉरी क्यों कह रही हो? मॉम के साथ साथ तुम मुझे भी दिल से अजीज हो। तुम पर तो मेरा खून भी माफ है। सुहेल आपको समझाना बहुत मुश्किल काम है, अलबत्ता एक ना एक दिन आप मेरे इशारों पर जरूर चलेंगे, मगर उससे पहले मैं हार वाली बात जानकर रहूं कि वो आपके पास क्या कर रहा था। मतलब ये कि मुझे सादगी पसंद है, और ये 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 सब उतारो। कहीं ये नेकलेस उन्होंने किसी के लिए? आज तक कभी मुझसे नजर उठाकर बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने मुझसे आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात की। तुम्हारी एक बदगुमानी ने कितना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया, और महापारा को मनाने के लिए उसे लंच पे ले जाना पड़ा, और तुम तो जानती हो मेरा वक्त कितना कीमती है। मॉम और हम सब माँ पारा को बहुत चाहते हैं, इसीलिए उसे उदास होने नहीं देते। तो ये वजह थी हर बार उसकी ढाल बन जाने की। मम्मी जी को तो बस एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं दोनों भाई, इसीलिए सुहेल ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर उसका नाम देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो पहले से ये सब। तुम्हें
पहले भी कितनी मर्तबा बताया है कि सोहेल को इंतजार करना पसंद नहीं है, मगर तुम हमेशा देर कर देती हो। अभी भी वो कब से बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम तैयार ही नहीं हुई। क्या हो गया, क्या देख रही हो मुझे? कुछ नहीं। तैयार हो जाओ जल्दी से, वरना फिर उसका मूड खराब हो जाएगा। और मेहरबानी करके ये ज्वेलरी जरा अंदर रख दो, वरना फिर दूसरों पर चोरी के इल्जाम लगाती फिरोगी।